In UP Chief Minister Yogi Adityanath, along with the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra General Secretary Champat Rai, have inspected the preparations for the Pran Pratishtha ceremony in Ayodhya. Prior to this, the CM was also offering prayers in the Hanuman Nagari temple in Ayodhya and offered prayers at the Ram Mandir's Garbhgriha as well. My colleague Anil is joining us on the broadcast. Anil, kaise taiyari chal rahi hai? Bas ab 10-12 din reh gaye hain. अयोध्या में तैयारियां पूरी लगभग पूरी की जा चुकी हैं। आज उसी का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर, जिन्होंने आज हनुमानगढ़ी पहुंचकर सबसे पहले दर्शन पूजन किया, उसके बाद फिर राम जन्मभूमि परिसर का उन्होंने भ्रमण किया, निरीक्षण किया। अब वहां से उनके काफिला निकलने के बाद अमानीगंज स्थित जलकल पे निरीक्षण करने के बाद अब उनका काफिला सर्किट हाउस के लिए निकल चुका है, जहां पर वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ बैठक करेंगे। उसी के बाद वो मंडल सभागार में जाकर वहां पर भी स्थलीय बैठक करेंगे और तमाम कार्य योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और उसके अधिकारियों के साथ बैठक करके उसका जायजा लेंगे कि अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है और कितना शेष है। तो अनिल, तो प्लान क्या है कि क्या 22 तारीख तक सब कुछ खत्म हो जाएगा या फिर भी कुछ वहां पर कंपाउंड में तो चीजें अभी रहेंगी उसके बाद? नहीं, देखिए, जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, जो बाहर का क्षेत्र है वो सारी तरह पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली जाएंगी 22 जनवरी से पहले पहले। लेकिन जो मंदिर का निर्माण कार्य है, भूतल का कार्य कंप्लीट हो चुका है, जहां पर गर्भगृह है उसका कार्य कंप्लीट हो चुका है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है अभी उसका कार्य चलेगा, बाकी सारा कार्य लगभग जो विकास के कार्य है वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। जो डेवलपमेंट चल रहा था, जो निर्धारित समय था कि 22 जनवरी से पहले पूरा करना है, वो सभी लगभग कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.